खाद की कमी की वजह से प्रदेश में किसान परेशान हैं और यही वजह है कि प्रदेश का किसान जगह जगह पर प्रदर्शन भी कर रहा है और सड़कों पर जाम लगा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुना, विदिशा, अशोकनगर सभी जगहों की, जहां पर खाद की किल्लत देखने को मिली और किसान परेशान नजर आए। मध्य प्रदेश में किसान परेशान है और इस परेशानी के पीछे की वजह है खाद। एक किसान को अपने खेत जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है खाद, लेकिन खाद की कमी ने प्रदेश के किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। गुना में किसानों ने एम्बुलेंस के अलावा सड़क से किसी को भी नहीं निकलने दिया और घंटों तक जाम लगाया। सर डीएपी की उन्होंने हमको पर्ची बना के दी थी कि आपको मंडे के रोज खाद मिल जाएगा। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि सोसाइटी में खाद आ जाएगा और 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं, अभी तक कोई खाद नहीं आया। कुछ खाद आता है वो ब्लैक कर देते हैं, अधिकारी भी उनके रिश्तेदारों को बोल देते हैं भैया जब मेरा पहचान वाला है इसको 50 कट्टे दे देना और जब मेरे पहचान वाला है इसको 60 कट्टे दे देना। 60 कट्टे एक एक आदमी को दिए जा रहे हैं, मेरे सामने पर्ची कटी है। मामला सिर्फ गुना का नहीं है, अशोकनगर में तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हजारों किसान खाद लेने वितरण केंद्र पहुंचे और सहायक खाद अधिकारी के साथ मारपीट का प्रयास तक किया। अब जितने किसान को अलग अलग दुकानों पर हमने बांटा था कि कुछ 200 टोकन उस दुकान पे जाएंगे, 300 टोकन उस दुकान पे जाएंगे, 400 टोकन उस दुकान पे जाएंगे, तो सभी जो किसान है लगभग 1300 के जो नंबर्स थे वो यहीं पे मौजूद हैं। वो बोल रहे हैं हमें वापस खाद दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितनी उपलब्ध मात्रा उसके हिसाब से हम टोकन दे चुके हैं और उसके हिसाब से किसानों को जाके लेना चाहिए। पर मैं अभी सारी दुकानों पर भी भ्रमण करके आया हूँ, वहाँ पर मुश्किल से 10-20 किसान पहुँचे हैं, सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने सर यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। विदिशा में भी किसान खाद की किल्लत से जूझते दिखे। नाराज किसानों ने रोड पर बैठकर चक्का जाम किया है और प्रशासन से जल्द खाद की आपूर्ति करने की मांग की है। किसान जो चक्का जाम कर रहे हैं उनका ये कहना था कि खाद की प्रॉब्लम आ रही है उनको और खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है किसान को, इसको लेकर बात की है उन्होंने। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है तो दूसरी तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा। ऐसे में सवाल किया जाए तो किससे किया जाए। टीम न्यूज़ 8।